दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेट अस गो। मौसम ने ले ली है पूरी तरह से करवट और बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो चुका है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो चुकी है और आज भी पूरे रात भर बारिश रही है और दिन भर भी बारिश रही है। अभी हो चुका है 9:30 का टाइम सुबह का और अभी थोड़ा सा मौसम हल्का सा बारिश बंद हुई है। मौसम तो उतनी ही ठंड है जितनी कल हुई थी और आज थोड़ा सा ठंड बढ़ चुकी है। भले बाहर आने पर अब इतना तो नहीं है लेकिन ठंडा काफ़ी हो चुका है मौसम। और मुझे जाना है अभी ऑफिस के लिए क्योंकि आज मंडे का दिन, तो आज जो है ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। पहले ऑफिस के काम निपटाते हैं फिर देखते हैं, जो टाइम मिलता है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर दिया जाएगा। आज हरिद्वार का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और मैं गया था ऑफिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑफिस जाना पड़ेगा, आज मंडे है तो मैं भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहा, बस 12:30 बजे तक मैं वापस आ गया था। आज काम तो खैर हमेशा ही होता है, आपको पता ही है कि ऑफिस टाइमिंग और ऑफिस का काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन मन ही नहीं किया आज वहाँ पर बैठने का। तो सोचा कि वापस आऊँ और अभी थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद अब मैं वापस ऊपर छत पर आया हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। तो आज हरिद्वार का मौसम जो है बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है, सारी तरफ पैक हो रखा है। जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया था, अगर मैं कैमरे को सीधे आसमान की तरफ करूँ तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा पैक हो रखा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आप लोग, हम लोग हैं तो हम लोग क्या है कि ऑफिस के बाद सीधे घर, तो घर कमरे के अंदर जो है ना यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो घूम रहे हैं या फिर जिनके पास जो है ना कोई घर पे अभी नहीं है, जैसे कोई घूमने के पर्पज़ से यहाँ पर आ रखा है और वो बाहर घूम रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर है। और अभी जो ये मेरे पीछे आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये आवाज़ यहाँ पे जो है ना मशीन चल रही है, लगभग 1 साल होने वाला है और उनका मकान अभी तैयार नहीं हुआ है तो उसी पे लगे हुए हैं, कभी कटिंग करने पे, कभी कुछ करने पे, तो हमेशा जो है वहाँ से आवाज़ें आती रहती है। अभी थोड़ी सी आवाज़ बंद हुई है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और जैसे कैमरा उठाता हूँ वैसे ही उनकी आवाज़ें शुरू हो जाती है। या फिर कोई जो है, जो हमारा एरिया है वहाँ पर रहने के लिए, कोई ना कोई सब्जी वाला आ जाता है, तब तक कि आलू ले लो, प्याज ले लो, ये ले लो, मतलब जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ वैसे कुछ ना कुछ आ जाता है। खैर छोड़िए वो बातें तो अलग है। आज मैं हरिद्वार में कहीं भी नहीं गया था, ऑफिस गया था और ऑफिस की जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसको मैंने अलग ही रखा हुआ है। कभी ज़रूर आपको ऑफिस के दर्शन करवाएंगे और कभी ले जाएंगे आपको ऑफिस के अंदर भी, लेकिन बहरहाल मैंने उसे किनारा ही रखा हुआ है। और क्या कहते हैं, तो आज कहीं भी दिखने का कुछ भी नहीं दिखाया, यानी कि बाज़ार से होते हुए जो मैं गया था या बाज़ार बीच में था लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था बाहर। और कहीं आज जो है गंगा घाट पे भी देखने के लिए कुछ नहीं था, देखने के लिए तो बहुत कुछ रहा होगा लेकिन मैं गया ही नहीं, वहाँ पर मन ही नहीं था। तो सोचा कि कुछ ऐसी ही थोड़ी थोड़ी बातें आपसे कर लेते हैं और उन्हीं बातों के साथ आप लोगों से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का जो भी मन करेगा, जिस भी टॉपिक पर मन करेगा उस टॉपिक को हम बोल देंगे। और अगर ये वीडियो पहले आती है तो 6:30 बजे का लाइव कार्यक्रम आज है, क्योंकि कुछ ही दिन तक मैं लाइव कर पाऊँगा 6:30 बजे, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी क्या कहते हैं कि एक तो मुझे एक दिन के लिए नाइट ट्री के लिए निकलना है और उसी दिन वापस हरिद्वार आना है, क्योंकि मैं जितनी जल्दी दिन में जाऊँ और जितनी जल्दी वापस आऊँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुझे हरिद्वार के अंदर सबसे ज़्यादा रहना है बजाय कहीं अदर के। और उसके बाद मुझे जो है एक दो ट्रिप लगानी है, उसका मैं मौसम पे डिपेंड करता हूँ कि मौसम कैसा होता है उसी पे डिपेंड होगी वो ट्रिप। और साथ ही फरवरी की स्टार्टिंग में मुझे दिल्ली भी जाना है, तो अगर दिल्ली टाइम मिलता है और सब कुछ सही रहता है तो वहाँ का ब्लॉग भी आपको मिलेगा। और उसके आने के बाद मुझे देहरादून का ट्रिप करना है, देहरादून मुझे एक दो दिन के लिए रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा अपने ट्रिप के लिए जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो हमने सोचा है काफ़ी दिनों से, मुराद थी। और उसके अलावा मैं जो हूँ यूट्यूब पर एक स्पेशल काम कर रहा हूँ, तो उस काम में अभी मुझे 1 महीना पूरा हो चुका है उस रिसर्च को करते करते और अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये 3 अप्रैल तक मैं उसको लॉन्च कर दूँगा, तो लगभग उन्हीं कामों में मैं बिज़ी हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं कर रहा हूँ, YouTube से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च मैं कर रहा हूँ, वो भी काम चलेगा।
और काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज मिलेगी। पहाड़ की भी हम बात करेंगे, पहाड़ों में भी हम जाएंगे और दोबारा से आपको पहाड़ दिखाएंगे, दोबारा से आपको नई टिहरी, चंबा, यहाँ तक कि श्रीनगर, और श्रीनगर से भी आगे हो सकता है कि हम आपको ले चलें। तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। व्यूज़ तो मैं आपको हरिद्वार के अंदर भी बहुत सारे दिखा दूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बंधा हुआ हूँ। एक तो मैं आपको कहीं भी मंदिरों के दर्शन नहीं करवा सकता, अभी हम मंदिर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। और जब तक पापा जी का एक साल कंप्लीट नहीं होता है, पिताजी का एक साल कंप्लीट नहीं होता है, और हम पूरी तरह से जो भी उनका कार्यक्रम होता है उसमें एक साल होने पे वो नहीं कर पाते हैं, तब तक हम किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते और किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते, तो मंदिर हम दिखा नहीं सकते। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का प्यार और विश्वास और सहयोग यूं ही बना रहे, तो मैं ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। मेरे जहन में बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर वीडियो लेके आऊँ, और हरिद्वार के अंदर भी अभी मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन समय की पाबंदी मुझे जकड़ देती है और मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे घर भी आना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, तो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए सब कुछ करना। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाऊँ। और पीछे से कौवे की आवाज़ भी आ रही है, काँव काँव की आवाज़, जिसको भी अभी आना था। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, पहाड़ों में कौवे की आवाज़ तभी आती है जब उसे बारिश की ज़रूरत होती है, या फिर वो जो है जब श्राद्ध पक्ष होता है तभी कौवे की आवाज़ आती है। लेकिन अक्सर वैसे कौवे की आवाज़ जो है बारिश के लिए की जाती है कि वो बारिश को बुला रहा होता है। तो ये देखो फिर लग गया दोस्त चिल्लाने, काँव काँव काँव। ठीक है भाई, तू काँव काँव ही करते रहे, हम भी काँव काँव करते हैं। हमें भी अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ काँव काँव करके देना होता है, उन्हें पसंद आए या ना आए, क्योंकि जब तक मेरी ऑडियंस मुझे बताएगी नहीं, मैसेज नहीं करेगी, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। इतनी ठंड में एक बात ज़रूर है कि हरिद्वार का जो मौसम है इतना ठंडा नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और कमरा नहीं है तो ज़रूर उसे बहुत ज़्यादा ठंड बाहर लगेगी, लेकिन अगर कोई सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आ रहा है और उसके पास अवेलेबल है, वो कमरा लेके अवेलेबल है या फिर कहीं पर है, तो इतनी ठंड यहाँ पर नहीं है जितनी ठंड पहाड़ों में होती है। नॉर्मल ठंड है, आप नॉर्मल रह सकते हैं यहाँ पर, और इतनी ठंड नहीं है जैसे कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जम जाता आदमी, उस टाइप की ठंड नहीं है। हाँ, कल से थोड़ी सी ठंड बढ़ी है, लेकिन वो भी इस प्रकार की ठंड नहीं है कि परेशान हो जाए, आप अच्छे से घूम सकते हैं, बस बशर्ते बारिश नहीं होना चाहिए। और आज तो पूरी बारिश हुई है, सुबह तक बारिश ही हुई थी, 9:30 बजे से पहले तक बारिश ही थी और पूरी रात भर बारिश हुई है, लेकिन बाहर आदमी अपना अच्छा सा काम कर सकता है, घूम सकता है, इतनी ठंड यहाँ पर नहीं है। जैसे कि पहले था कि यहाँ पर आप शाम के टाइम पे इस तरह नहीं बैठ सकते थे, लेकिन अभी जो मौसम हो चुका है तो आप खेल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। यहाँ पर कोई ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहा है, यानी कि अगर मैं सल्टी शर्ट में भी रहूँ तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो है ठंड ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ मौसम ख़राब है और मौसम थोड़ा डरा रहा है पूरी तरह से, इसने अपना मिजाज बदल दिया है, लेकिन ठंडा नहीं है। यानी कि ठंड से डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी या फिर हम टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ठंड है। और नॉर्मली हमेशा चढ़ जाने का मन नहीं होता है और हमेशा ही मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, तो कुछ इस तरह आज भी था। आज मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रखा था और ऑफिस के भी काम काफ़ी करने थे, जबकि काम अभी पूरी तरह निपटे नहीं है, तो कुछ मैं कल निपटाऊंगा, क्योंकि वो तो खैर डे टू डे बढ़ जाएगा काम जितना होगा, लेकिन कल क्लोजिंग डे होता है तो कल जो है काम को बहुत निपटाना बहुत ज़रूरी है, तो कल तो मेरा पूरा दिन वहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मूड सही रहा और आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज़रूर कल कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगा आपको हरिद्वार की। और अभी मैं काफ़ी कुछ करने वाला हूँ, मैं बता रहा था कि एक्सप्लोर जैसे बिहाइंड द हरिद्वार इन सब चीज़ों को क्रिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना मन बनाना है मुझे, थीम बनानी है और उसी थीम पे हम काम करेंगे। तो फिर तब तक क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई काम आड़े आ जाता है, और जब कोई काम आड़े आ जाता है तो फिर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, और जब हम उस काम को नहीं कर पाते तो फिर मन करता है यार कि बस ऑडियंस को थोड़ा सा जो है अभी गंगा मैया पे, अच्छा लोगों का रिस्पांस आया था तो क्यों ना गंगा मैया के दर्शन करवा दिया जाए। और वास्तव में उस गंगा मैया की ही देन है जिसके बलबूते पे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बलबूते पे ऑडियंस मुझसे जुड़ रही है, तो क्यों ना मैं गंगा मैया को ही एक्सप्लोर करूं। और मैं गंगा मैया को ही एक्सप्लोर करते हुए हो सकता है कि मैं आपको सारा भारत घुमाऊँ, लेकिन बीच बीच में ज़रूर मैं आपको अपने से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं लगातार लाइफ स्टाइल वीडियो तो नहीं बना सकता और ना ही मेरी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की है भैया, सिंपल सी बात है, हम सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं,
नाश्ता बनाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर वापस आते हैं, खाना बनाते हैं, दिन का लंच करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर शाम की तैयारी होती है, शाम का खाना खाते हैं, सो जाते हैं और उसके बाद फिर उठ जाते हैं। तो हमारी लाइफ में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, और जो बाहर की दुनिया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जिस दिन कुछ स्पेशल होगा उस ज़रूर बता दिया जाएगा, और जिस दिन कुछ स्पेशल बनेगा भी तो फूड के तहत उसको भी ज़रूर आप लोगों के साथ रखा जाएगा। बाकी क्या लाइफ स्टाइल बतानी है आपको, क्या मैं झाड़ू मार रहा हूँ, मेरी झाड़ू की सीख टूट गई है, यहाँ से जो है मैं फिसल गया हूँ, ये हो गया है, तो मेरे फिसलने से, मेरे झाड़ू मारने से, मेरी साफ़ सफाई से किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि मैं कोई ऐसा सेलिब्रिटीज तो नहीं हूँ, ना ही मुझे बनना है। बस सिर्फ ये है कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाती है, कुछ मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाता है, किसी भी एक आदमी की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म आ जाता है, तो उसके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो का सफ़र क्या है, किस तरह से, क्यों हम यूट्यूब में आए, क्या कारण था, इसके रिलेटेड मैंने एक लाइव रखी हुई शाम को 6:30 बजे। अगर ये वीडियो 6:30 बजे से पहले आप तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपलोडिंग की भी समस्या होती है, अपलोडिंग कभी कभी जो है 2-3 घंटे लगाती है अपलोडिंग होने में, तो समय होता है, इसलिए मेरी वीडियो प्रॉपर टाइमिंग से नहीं आती है, कभी शाम को आती है, कभी सुबह आती है, कभी 4 बजे आती है, कभी 5 बजे आती है, कभी 6 बजे। अब अगर मैं इसमें जो हूँ प्रीमियर लगाऊँ एक निश्चित टाइम का, तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन की वीडियो का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ वीडियो को लेकर। लेकिन आज जो है यूट्यूब से रिलेटेड हम बात करेंगे, और यूट्यूब में कुछ देख रहा हूँ मैं आजकल क्या हो रहा है, जो मेरे साथ भी हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि हाँ क्या है सब्सक्राइबर बेस और इन सब चीज़ों पे थोड़ी बात करेंगे, तो उसे हमको लाइव में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो पहले आता है तो फिर ज़रूर उस पर बात करते हैं, आप ज़रूर आइएगा अगर आप देख पाएँ इस वीडियो को, तो बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट तो डाली रखी है, वहाँ पर आ जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम पहाड़।